वागेला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर। वागेला नदी का निरीक्षण करने पहुंचे तहसीलदार काशीपुर पंकज चंदोला। काशीपुर नगर की मुख्य नदियों में से एक ढेला नदी ने बीते वर्ष रौद्र रूप ले लिया था, जिसके चलते ढेला बस्ती में बने लगभग 3 से 4 मकान भूधसाव के चलते मिट्टी में मिल गए थे। ऐसे में इस बार कहीं मॉनसून सीजन आने के बाद ढेला रौद्र रूप न ले ले और इससे जनता को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए काशीपुर तहसीलदार पंकज चंदोला अपनी टीम के साथ लगातार स्थलीय निरीक्षण कर अलग अलग तरीकों से संभावित बाढ़ग्रस्त इलाकों में पिचिंग आदि का कार्य कराने में लगे हुए हैं। आइए अब नजर डालते हैं काशीपुर के अन्य खबरों पर। मनमाने लोगों समेत छात्र छात्राओं को दी नए कानून की जानकारी। विकास कार्यों के प्रस्ताव पर कार्य मंजूरी नहीं मिलने पर विधायक ने जाहिर की नाराजगी। पुलिस ने की 6 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही। युवक की मौत के मामले में पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। ब्राह्मण सभा समिति की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर हुआ लापता, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। ग्राम ब्रह्मनगर में धरना प्रदर्शन को भीम आर्मी ने दिया अपना समर्थन। साहित्य दर्पण की मासिक काव्य संध्या हुई संपन्न। अब खबरें विस्तार। नए आपराधिक कानून लागू होने पर अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह के नेतृत्व में रामनगर रोड स्थित रामलीला सभागार में क्षेत्र के गणमान्य और स्कूली छात्रों को देश में बने नए कानून के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बताया कि नए कानून में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा। उन्होंने कहा कि वे मामले जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा। वहीं थाना आईटीआई में भी नए कानून के संबंध में थाना क्षेत्र तहत सभी ग्राम प्रधान एनजीओ स्कूल के अध्यापक व स्कूल के बच्चों को 1 जुलाई से लागू हुए नए कानून के संबंध में जानकारी दी गई। शहरी क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए शासन में प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी कार्य की मंजूरी नहीं मिलने पर विधायक त्रिलोक सिंह चीवा ने नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं उन्होंने निकाय चुनाव में ऐसे व्यक्ति को टिकट न दिए जाने की बात कही है जो चुनाव के समय भाजपा को वोट न देकर अन्य दलों में वोट डलवाते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान राम मेहरोत्रा, गुरविंदर सिंह चंडोक व दिलप्रीत सिंह सेठी भी मौजूद रहे। कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में लूट एवं झपट्टामारी की विभिन्न घटनाओं को अंजाम देकर क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाने के मामले में 6 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है। जानकारी देते हुए कोतवाली प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र में गैंग बनाकर लूट तथा झपट्टामारी की घटना को अंजाम देने वाले काशीपुर के 5 और एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत के मामले में पुलिस ने मां की तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी मोहम्मदी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी। बताया कि बीती 11 जून को उसका पुत्र मोहम्मद रफी बिलासपुर यूपी से शादी समारोह में शामिल होकर वापस घर आ रहा था। इस दौरान रामलीला मैदान के सामने उसको अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। चामुंडा में स्थित ब्राह्मण सभा समिति सभागार में मासिक बैठक समिति अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बीते माह भगवान परशुराम जयंती की शोभा यात्रा के सफल आयोजन पर अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने सभी का अभिवादन करते हुए शोभा यात्रा का आय व्यय का हिसाब किया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। अपना तो करीब आए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। घर से बाजार गया 15 वर्षीय नाबालिग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज की है। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। मौला अली खान निवासी नवी हसन ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी। बताया कि उसका 15 वर्षीय पुत्र समीर 26 जून को घर से बाजार जाने की बात कहकर गया था, लेकिन वे देर शाम तक भी वापस नहीं लौटा। विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे ग्राम ब्रह्मनगर में धरना प्रदर्शन को भीम आर्मी ने भी अपना समर्थन दिया है। यह धरना प्रदर्शन पिछले लगभग 10 दिनों से चल रहा है। आज ग्राम ब्रह्मनगर में चल रहे धरना प्रदर्शन को भीम आर्मी ने अपना समर्थन दिया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर गांव की मांगें पूरी नहीं की गई और जो खनन माफिया ने अपने वाहन गांव में आने से नहीं रोके तो भीम आर्मी व पूरे क्षेत्र के सभी लोग मिलकर एक महापंचायत करेंगे। इस दौरान भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अजय गौतम, सौरभ कुमार, हैजुल रहमान, ताहिर हुसैन आदि लोग मौजूद रहे।
दर्पण की मासिक काव्य संध्या का आयोजन मानपुर रोड स्थित वीरभूमि कम्युनिटी हॉल में किया गया। काव्य संध्या की अध्यक्षता वीरभूमि समिति के अध्यक्ष राजीव गुप्ता व संचालन ओम शरण आर्य चंचल ने किया। इस दौरान कवियों ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।